now at Rock Beach Swing. This is beautiful. This is heaven. मस्ट विजिट प्लेस. बहुत से लोग हैं जो मिस कर देते हैं जस्ट बिकॉज ये लोग फीस चार्ज करते हैं, बट दिस इज़ वेरी सिक्लूडेड एंड वेरी ब्यूटिफुल प्लेस. यू कैन सी फ्रॉम हियर, लुक एट द वेव्स. इतनी अग्रेसिव, इतनी ब्यूटिफुल है. बहुत ही प्यारी जगह है. ओह माई गॉड, आई एम अमेज्ड विद दिस प्लेस. बहुत ब्यूटिफुल है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. आई कांट बिलीव. सो सौरव, व्हाट यू वांट टू से अबाउट दिस प्लेस? दिस इज लाइक अ कंप्लीट हेवन. लाइक इफ वांट टू फाइंड द हेवन ऑन द अर्थ, दिस इज द प्लेस. कम ओवर हियर. Yeah. This is very secluded. Like, though the price of this beach is comparatively expensive. You need to give 800 baht for two people. So that is pretty expensive. Not pretty expensive, but comparatively expensive. But that is completely worth it. That's what you will feel once you come over there. There are multiple good spots to get your pics captured. Yeah, it's very, very photogenic. Yeah. So the beach gets closed at 6:30. So whatever the activities that you want to do, make sure to get it done by 6:30 so that you don't miss out on anything. Like, yeah, thank you. Now 4:30, so we have only 2 hours for this beach. बहुत बहुत प्यारा beach है. आप चाहो तो यहाँ पे सो भी सकते हो. एडजस्ट आपको यहाँ पे तकिया चाहिए, आप स्विम किए और यहाँ आराम से आप मजे कहाँ. आई कुडंट इवन इमेजिन इन माय लाइफ लाइक इस तरह की कोई चीज अप्रिस करते हुए. मैं सिर्फ एक ही आउटफिट लेके आई हूँ और यहाँ पे इतने सारे प्रॉप्स के साथ इतनी सारी पिक्स कैप्चर हो सकती है. सो बस एक ही आउटफिट में मेरी इतनी सारी पिक्चर्स आने वाली है क्योंकि सारे पिक्चर्स ही बहुत औसम आए हैं एंड बहुत ही फोटोजेनिक प्लेस है. आई लव इट एंड या लुक एट दिस सन एंड दिस सन किस्ड इफेक्ट. दिस इज ब्यूटिफुल. जितनी बार ब्यूटिफुल बोलो ना उतनी बार कम है. अभी way more than beautiful. Hi. So literally I am very tired and this beach is huge. Like बहुत सारे props हैं and बहुत बड़ा property है. That has completely blocked. चलो एक second. I think cricket आराम को कौन वहाँ पे. I'm not going there. तो आजा फिर खा जाएगा फालतू. खाने की बात नहीं है. लिटरली ऐसे बहुत प्यारा सनसेट है बट उसी के लिए व्यू पॉइंट देख रहे हैं कि कहाँ से बेस्ट सनसेट हमें दिखेगा. वी आर गोइंग फॉर दैट. सो ऊपर हिल पे भी आए बहुत सारे लेडर चढ़ के बट सनसेट दिख नहीं रहा इतने अच्छे से. सो नीचे जा रहे वापस से. चलो फास्ट सनसेट हो जाएगा. और यहाँ अभी हम बांग्ला स्ट्रीट एंड ये सब एक्सप्लोर करने वाले हैं. सो वी कैन सी दैट पटोंग बीच और यस
दिस प्लेस इज वेरी लाइवली. लाइक यहाँ पे आपको इंडियंस भी इतने दिख जाएंगे, बहुत इंडियंस है, बहुत इंडियंस है, 50% तो आपको इंडियंस ही दिख जाएंगे इजीली. सो दिस इज पटोंग बीच फुकेट थाईलैंड, जो लिख रहा है यहाँ से ना बांगला मार्केट का एंट्रेंस स्टार्ट हो जाता है. एंड नाउ दिस इज बांगला स्ट्रीट मार्केट, लाइक जो यहाँ का सबसे लाइवली प्लेस है और फुकेट जिसके लिए बहुत फेमस है. यहाँ पर बहुत सारे आपको शोज बोलेंगे देखने के लिए और ये सब कुछ, बट लिटरली बहुत रिस्क है उन सब में अंदर जाने में. आप बाहर से देख सकते हो बट अंदर जाने के बाद पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो, तो रिस्की है. एंड यहाँ बहुत सारी है ना शॉपिंग के लिए भी आपको शॉप्स मिल जाएगी, बट आई थिंक सो दे आर लाइक बिट प्राइजी, और इनकी ना प्राइस भी बहुत हद तक फिक्स होती है. मतलब नहीं करते, इसके अंदर जाके एक मार्केट आता है वहाँ पर ना बार्गिन कर सकते हो और अच्छी प्राइस मिल जाएगी, बट जो बाहर वाली शॉप्स है ना ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है. एंड दिस इज ब्यूटिफुल पटोंग बीच, मतलब रात में भी इतना अच्छा लगता है इधर आके, बहुत ही प्यारी वाइब है. मतलब जस्ट बांग्ला स्ट्रीट मार्केट के सामने वाली ही साइड है ये, तो बहुत अच्छी है एंड बहुत लाइवली रहता है ये वाला एरिया भी. एंड बहुत अच्छे से लाइटन अप कर रखे हैं एंड या दिस इज अ वाइब, लाइक गाइस पूरी वाइब है यहाँ पे, बहुत ही प्यारा बीच है. लाइक फुकेट में जब भी थे ना हम, आई थिंक बस एक दिन ही गए थे यहाँ पे रात में, अदरवाइज हम डेली नाइट में यहाँ जा रहे थे डेली. बहुत ही अच्छा है, लाइक बहुत प्यारी जगह है. सो या वी जस्ट केम फ्रॉम द बांग्ला स्ट्रीट एंड इट्स आई थिंक 11 o'clock इन हियर फुकेट. एंड कल हमारा फिफी का टूर है तो जल्दी ही सोना होगा. सुबह 7 o'clock तो फिफी टूर की मिनी बस आ जाएगी पिकअप करने के लिए स्टेशन पे. सो वी हैव टू वॉकअप सो अर्ली लाइक 5:50 एंड 6 अराउंड. सो अभी जल्दी सोने को जाना है तो बांग्ला स्ट्रीट से अभी आगे. सो यार थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर, बाय बाय. एंड Day 3 का व्लॉग अलग से मिलेगा फिफी टूर. And this is all about like Phuket ka city tour and the airport. Yeah, so that's it. Bye.